हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैक्स अकेडमी टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टॉपिक व्हाट आर सो सोल्ट आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड और बेस एंड सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एनायन ऑफ एन एसिड एंड अ केटाइन ऑफ अ बेस किसी भी एसिड का एनायन वाला पार्ट और बेस का कैटाइन वाला पार्ट से मिलके बनता है हमारा सॉल्ट कॉम्बिनेशन से बनता है सॉल्ट अब इसके एग्जांपल सॉल्ट के क्या हो गए जैसे हमारे पास है के सी एल पोटेशियम क्लोराइड एन एन ओ थ्री सोडियम नाइट्रेट सी एस ओ फोर कैल्शियम सल्फेट एन सी एल और भी बहुत सारे होते हैं सेक्टर और एन एस सी एल हमें बताइए हमारा क्या होता है कॉमन सॉल्ट क्या होता है कॉमन सॉल्ट होता है ओके okay, तो ये सॉल्ट के हमने कुछ एग्जाम्पल देखे तो कॉमन सॉल्ट में ये भी हो गया कि तो कॉमन सॉल्ट जो होता है वो बहुत सारे मटीरियल में यूज़ होता है डेली यूज में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया बेकिंग सोडा हो गया वॉशिंग सोडा हो गया ब्लीचिंग पाउडर हो गया और और भी बहुत सारे ठीक है इसमें भी सॉल्ट में भी, भी जैसे एसिड और बेस होता है वैसे सॉल्ट में भी पी लेवल आ, अलग अलग होते हैं अलग अलग उसके देखिए पी एच लेवल को हम देख लेते हैं कि अलग अलग उसके लिए क्या क्या, क्या पीएच लेवल होते हैं सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस और उसका न्यूट्रल लेवल क्या होता है सेवन होता है ओके सो सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रल होता है वो उसका पीएच एच सेवन होगा सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस किसी भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बेसिक माना जाएगा वो सोल्यूशन उसका पी ग्रेटर देन सेवन होगा और सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड बट वीक बेस तो वो एसिडिक माना जाएगा उसका पीएच क्या होगा सेवन से ज़्यादा होगा ठीक है ये तो ये तो बात करी हमने पी एच लेवल की अब हम अलग अलग टाइप के जो हमारे पास सॉल्ट होते हैं उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले हमारे पास सॉल्ट कौन सा आ रहा है सबसे पहले हमारे पास सॉल्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल इसका होता है है ठीक और इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं केमिकल क्या हुआ NaOH हुआ और इसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन में क्या आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं ब्राइन और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस ठीक क्यों क्योंकि इसमें क्लोरीन जो होता है वो हमें मिलता है प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो क्लोरीन होता है क्लोरी क्लोर के लिए क्लोरीन और एल के लिए हमें क्या मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट तो इसकी इक्वेशन में हमें एनोड पे हमें क्या मिलता है सीएल टू मिलता है एनोड पे क्या मिलता है क्लोरीन और हमें कैथोड पे क्या मिलता है हाइड्रोजन मिलता है एनएसएल हो गया ठीक है तो ये प्रोसेस जो है इसमें इन्वॉल्व होती है ओके नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर नेक्स्ट क्या है हमारे पास सॉल्ट कौन सा है ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका केमिकल फॉर्मूला होता है सी ए ओ सी एल टू ओके उसको हम क्या बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम तो इसकी तीन चीज़ें वो इसमें जो इक्वेशंस के इन्वॉल्व होती है ब्लीचिंग पाउडर में सीएओ प्लस सी एल टू सी ए सी एल टू में देगा और वाटर ठीक है तो ये इसमें जो इक्वेशन है वो इन्वॉल्व थी एल टू है ठीक है सो वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एक्वा सोडियम क्लोराइड ब्राइन सो क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मैनुफेक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड ब्लीचिंग पाउडर इज मैनुफैक्चर बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन और ड्राई स्लेक्ड लाइम तो ये हमारे पास क्या है ड्राई स्लेग लाइम इसको हम कह सकते हैं इसको जब हम प्रोसेस कराते हैं क्लोरीन के साथ तो जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट होता है ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वो हमें मिलता है ठीक है इसके यूजेस देख लेते हैं यूजेस क्या, क्या क्या होते हैं कहाँ कहां जरूरत होता है सबसे पहले आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइन्स ठीक है नेक्स्ट आता है पेपर इंडस्ट्री पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर ब्लीचिंग वुड वुड प्लर के ब्लीचिंग में काम आता है ठीक है थर्ड होता है लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स वॉश क्लोथ्स की जो हम सफाई करवाते हैं कपड़ों की लॉन्ड्री में यूज़ आता है ठीक है और डिसइनफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू तो मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स जो हमारे एक्वागार्ड और ये सब लगे होते हैं तो उसमें भी ये एज अ डिस इन्फेक्टेंट का काम का का करता है जो जितने भी जर्म्स होते हैं वाटर के अंदर अवेलेबल उसको साफ़ करने का काम करता है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्ट बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा केमिकल नेम क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन ओके इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है एनएच थ्री ठीक है ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया उसको हम क्या बोलते हैं सोडियम बाय कार्बोनेट भी बोलते हैं ठीक है ठीके? सो so, हमारा बेकिंग सोडा हमें पता ही है नॉर्मली किचन में यूज आ, काम आता है हमारे फूड को टेस्टी बनाने के काम आता है ठीक है इसके इक्वेशन इसमें क्या इन्वॉल्व होती है इक्वेशन ऐसे है कि एन एच सी एल प्लस ये सोडियम क्लोराइड है सोडियम क्लोराइड मिलेगा वाटर के साथ प्लस सी ओ टू प्लस NH3 थ्री सोडियम आ, नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलकर हमें क्या मिलता है फाइनली हमारा जो मिलता है प्रोडक्ट वो हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट अमोनियम क्लोराइड एन एच फोर सी एल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एनएच सीओ थ्री जो कि हमारा प्रोडक्ट है ठीक है ये इसमें ये क्वेश्चन इन्वॉल्व होती है तो नाइट्रेट अमोनियम क्लोराइड के साथ मिलके ये हमें क्या दे रहे हैं दो प्रोडक्ट दे रहे हैं अमोनियम क्लोराइड दे रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नेक्स्ट तो so, जब इसको हीट किया हमने सो वॉट हैपन्स इफ वी हीटेज दिस अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड जब बेकिंग सोडा को हम हीट कर रहे हैं एनएएच सी ओ थ्री तो हमें क्या मिल रहा है uh, इसको हीट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है एनए टू सी ओ थ्री सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है water और वाटर और सीओ टू पास हो रही है ठीक है तो ये इसमें इक्वेशन इन्वॉल्व हो गई तो इसमें ये भी है कि इसका जो यूजेज अगर की हम बात करें तो ये सोडा एसिड फायर एक्सटन की तरफ भी काम करता है बाकी जितने भी यूजेस है वो हमने जो ब्लीचिंग पाउडर में पड़ा हैं वो सेम है इसके ठीक है नेक्स्ट हमारे पास सॉल्ट है वॉशिंग सोडा ओके ये सब सारे सॉल्ट के आई थिंक आप सब लोगों ने नाम सुने रखे हैं, मुझसे को ही पढ़ रहे हैं इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट इसका केमिकल फॉर्मूला है एन ए टू सी ओ थ्री हमने देखा अभी डॉट तो टेन एच टू वॉटर में मिल रहा है ठीक है अब इसको बोलते क्या है और सोडा ऐश क्या बोला जाता है सोडा एश सोडा ऐश मतलब विदाउट वाटर क्रिस्टल्स ठीक है पानी के क्रिस्टल्स इसमें छोटे नहीं होते हैं ठीक है तो यही सिमिलरली ये क्वेश्चन इसमें भी आएगी सिमिलरली इसकी वॉशिंग सोडा के लिए यही एक क्वेश्चन है जो हमने याद देखी कि इसको हीट हमने किया तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है वो एज अ वॉशिंग सोडा जिसको हम क्या बोलते हैं वॉशिंग सोडा ठीक है soda, और फिर इसको अगर हम टेन एच टू के साथ अगर और पानी की मात्रा बढ़ा के हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें यहाँ पे एन ए टू सी ओ थ्री एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू ये एज ए वाटर क्रिस्टल्स की तरह काम करता है ये हमें मिल जाता है ठीक है इसके यूजेस क्या क्या होगा वॉशिंग सोडा के Uses देख लेते हैं कि वॉशिंग सोडा इज यूज इन ग्लास सोप इंडस्ट्री ग्लास की या फिर जो साबुन की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उसमें यूज होता है इट इज आल्सो यूज इन पेपर की इंडस्ट्री में भी यूज होता है ये एक लेबोरेटरी री की तरह काम करता है ठीक है और ये बेकिंग सोडा का एक देख लेते हैं कि सोडा एसिड फायर एक्टिंग में काम करता है ये की तरह यूज होता है ठीक है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव आ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट ठीक है तो सर्टेन सोल्ट फ्रॉम क्रिस्टल बाय कम्बाइनिंग विदेफिनेट प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर कुछ ऐसे सोल्ट होते हैं जो uh, क्रिस्टल का फॉर्म क्या कहलाएगा सॉल्ट का तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि द वाटर दैट कम्बाइन विद द सॉल्ट पानी जो है जब सॉल्ट के साथ मिल जाता है उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं और यहीं से सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं छोटे छोटे होते हैं वो वो हमें मिलते हैं ठीक है क्रिस्टल सॉल्ट में जो एक नाम आता है वो आता है प्लास्टर ऑफ पैरिस का ठीक है मेन क्रिस्टल है सॉल्ट का उसको हम केमिकल फॉर्म नेम अगर की बात करें तो उसका केमिकल नेम थोड़ा लंबा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ठीक है तो मोस्टली इसके जो सारे जो केमिकल फॉर्मूले हमने देखे ना जितने भी सॉल्ट के वो आपके एग्जाम्स में ज्यादातर पूछा जाता है ठीक है बाकी सब आपको तो ध्यान रखना ही है केमिकल नेम भी इक्वेशंस भी और यूजेस भी इन सारे के सारे सॉल्ट की इसका केमिकल फॉर्मूला होता है सी एस फोर डॉट हाफ एच टू ओ ठीक है या फिर इसको हम कह सकते हैं सीएसओ फोर टू आई एस एच टू ठीक है ये भी कह सकते हैं इसको प्रिपरेशन कैसे होती है ये प्रिपेयर होता है जिप्सियम से किससे जिप्सियम से सी एस का फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला सी एसओ फोर डॉट टू एच टू ओ ऑन जब इसको हम हीट करते हैं हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे या फिर थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन पे तो हमें मिलता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक है जिसमें आ, इक्वेशन भी कुछ यही इक्वेशन कहलाएगी इसमें भी सीएसओ फोर जिप्सियम को हम हीट कर रहे हैं हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे तो हमें हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल रहा है ओके तो इक्वेशन को आपसे अगर पूछी जाएगी तो आप इसी इक्वेशन का यूज करेंगे इसी इक्वेशन को बताएंगे ठीक है अब इसके यूजेस भी देख लेते हैं सबके देखें तो इसके भी देख लेते हैं यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं प्लास्टर ऑफ प्लास्टोपैथी हमें पता है कि फ्रैक्चर्स जो बोन्स होती है मेडिकल डिपार्टमेंट में यूज होता है फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्स बोन्स को सही करने में ठीक है टॉयज बनाने में स्टेट्यूज बनाने में डेकोरेटिव मटीरियल्स बनाने में ठीक है मेकिंग फायर प्रूफ मटीरियल्स को बनाने में यूज किया जाता है मेकिंग चौक बनाई जाती है ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए ओके सो so ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं होप कि आपको इस आ, सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे थैंक यू एंड होप यू लाइक दिस वीडियो